और जनपद पौड़ी में 4 अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों में अनियमितताओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने जांच की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह राजा कोली ने बताया कि मुख्य शिक्षा निदेशक सीमा जॉन सारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी को जाँच कर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए थे। राजेश सिंह ने जनपद के 4 सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्तियों में अनियमितताएं और गड़बड़ी की शिकायत की थी। कोली ने बताया कि जांच कर कार्रवाई करने के संबंध में आज मुख्य शिक्षा अधिकारी से मिले हैं, जहां उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा, जांच नहीं होती है तो 4 और 5 अक्टूबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के आवास में धरना दिया जाएगा। पौड़ी से मुकेश बच्छेती की रिपोर्ट। विद्यालय कोटागढ़, इंटर कॉलेज चकेटी, इंटर कॉलेज डांगीधार और इंटर कॉलेज गढ़कोट मांडलो, इन विद्यालयों में नियुक्तियों में और प्रबंध समिति के चुनाव में अनियमितताएं हुई थी, जिसकी मैं लगातार 2 सालों से शिकायत कर रहा था। जब मेरी उन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे मजबूरन मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी, जिलाधिकारी पौड़ी और कमिश्नर ऑफिस और निदेशालय में धरने में बैठना पड़ा। तो जब मैं धरने में बैठा तो 30 अगस्त 2023 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी जी ने मुझे मेरे शिकायतों पे जो जांच करी और उसके जांच के बाद उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी को